हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस वेलकम टू चैप्टर नंबर फोर्टीन ऑफ योर लक्ष्मीकांत बुक सीरीज एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस ठीक है तो सेंटर और स्टेट लास्ट लेक्चर में हमने फेडरल सिस्टम देखा था इस लेक्चर में हम सेंटर और स्टेट के रिलेशन्स के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में तो देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल है स्ट्रक्चर में और जितने भी पावर्स हैं उसको लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन्स में डिवाइड करता है कि लेजिस्लेटिव का अपना फंक्शन है फाइनेंशियल uh, uh, अलग फंक्शन है एग्जीक्यूटिव अलग फंक्शन है हाउ इन सब का इंटीग्रेशन है कहीं ना कहीं पे ठीक है तो सेंटर और स्टेट के अपने लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स हैं ठीक है थीके? लेकिन ये सब पावर तो डिवाइडेड है लेकिन जुडिशियल पावर का कोई डिविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है ताकि दोनों सेंट्रल और स्टेट लॉज को एनफोर्स किया जा सके

तो दो द सेंटर एंड द स्टेट्स आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स अपने अपने फील्ड्स में सेंटर और स्टेट्स जो है वो सुप्रीम है लेकिन और जो मैक्सिमम हारमोनी है और कोऑर्डिनेशन है ये ज़रूरी है इनके इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए हमारे फेडरल सिस्टम में तो अगर सेंटर और स्टेट का इफेक्टिव यू नो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हारमनी रहती है तो क्या होगा फेडरल सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एलैबोरेट प्रोविजंस रखे हैं ताकि ये सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन्स को अच्छे तरीके से अलग अलग डायमेंशन में रेगुलेट किया जा सके Hope, समझ में में आ गया है इनको हम तीन में पढ़ेंगे कौन कौन से में legislative, administrative and financial relations. ठीक है तो सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप्स को तीन हेड्स में पढ़ने वाले हैं कौन कौन से हैं वो लेजिस्लेटिव रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन तो लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ते हैं सबसे पहले देखिए जो आर्टिकल 245 से 255 है ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनको जब भी, भी मैं बोलती हूं तो कहीं एक पेज पे जॉट डाउन कर लीजिए तो 245 से 255 पार्ट 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंटर और स्टेट के और राइट right? और इनके अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि इस लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में डील करते हैं ठीक है बाकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर्स को सेंटर एंड स्टेट्स के बिटवीन में विद रिस्पेक्ट टू तो बोथ द टेरिटोरी एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन ठीक है तो कितना किसका यू नो रेंज होगा और क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें लेजिस्लेट करेगा सेंटर एंड स्टेट ये सारो, सारी चीजों का डिविजन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन को यू नो प्रोवाइड करता है इन द स्टेट फील्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के ज्यूरिस्डिक्शन में हो रहा है ये सारी चीजें इन अदरवर्ड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एरियाज तो पार्लियामेंट के लॉज कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ फाइव यूनियन टेरिटरीज तो फाइव यूनियन टेरिटरीज अब एट यूनियन टेरिटेरीज हो चुका है तो ये आप चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे एट यूटीज कर लीजिएगा तो कौन कौन से एट यूटीज है आपके जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख चंडीगढ़ डेली दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दियू पुडुचेरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्ष्मद्वीप ठीक है तो ये जितने भी हैं एट यूनियन टेरिटरीज आपके इसके पीस प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो है आपके रेगुलेशन बना सकते हैं और जो रेगुलेशन बनेगा उसका पार्लियामेंट जिस तरीके से कोई लॉ बनाती है ना उसी तरीके का सेम फोर्स होगा जो प्रेसिडेंट लॉ बनाएंगे फॉर दीज यूटीज ठीक है तो इन यूटीज के लिए जो यू नो रेगुलेशन प्रेसिडेंट बना रहे हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसी तरीके का सेम फोर्स रहेगा ये कहने का मतलब है इट मे ऑल्सो रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दीज यूनियन टेरिटरीज तो अगर पार्लियामेंट ने किसी तरीके का कोई लॉ या रेगुलेशन बनाया है इन यूटीज के लिए तो उसको हटाया भी जा सकता है बाय प्रेसिडेंट या फिर उसको अमेंडिया कुछ चेंजेस करके वापस से रीइंस्टेट किया जा सकता है इस इस लाइन का ये मतलब हुआ जो गवर्नर है गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन तो अगर कोई शेड्यूल्ड एरियाज है कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने शेड्यूल्ड एरियाज हैं हमारी कंट्री में तो हमारे कंट्री में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां के जो भी गवर्नर इन है वो क्या कर सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ है कोई एक्ट है वो ये बता सकते हैं गवर्नर कि ये लॉ या ये रूल इस शेड्यूल्ड एरिया में इस स्टेट के अप्लाई नहीं हो सकता है या अगर अप्लाई करना भी है तो ये फलाने फलाने मॉडिफिकेशंस के साथ करना तो ये काम कौन कर रहा है गवर्नर कर रहा है उस शेड्यूल्ड एरिया का ठीक है थर्ड पॉइंट क्या है जो गवर्नर है असम के मे लाइक वाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन तो वही बात है कि जिस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया के गवर्नर ये बात कह सकते हैं कि ये एक्ट uh, अप्लाई नहीं होगा या इसमें कुछ चेंज करना है मॉडिफिकेशन करना है उसी तरीके से असम के जो गवर्नर हैं वो भी पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये फलाना लॉ इस ट्राइबल एरिया में जो कि ऑटोनमस है ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट समझ में आता है ना जो अपने आ, कानून बनाता है ठीक है अपने तरीके से गवर्न करता है तो ये ट्राइबल एरिया है यहाँ पे ये पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई नहीं होगा या अगर होगा भी तो किसी ना किसी स्पेसिफिकेशन एंड एक्सेप्शन के साथ होगा ठीक है तो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है उनका सेम पावर है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज ट्राइबल एरियाज या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम ठीक है तो प्रेसिडेंट का यहां पे पूरा पूरा अधिकार चलता है ठीक है जैसे गवर्नर का चल रहा है ना यहाँ पे वैसे प्रेसिडेंट का कहां पे चल रहा है इन ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से हैं मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम एम टी एम ठीक है या टीएमएम एम एम टी मेक माई ट्रिप है ना जैसे आपको याद रखना है तो एमएमटी में प्रेसिडेंट ये पावर्स को इंजॉय करते हैं अब इन लेटिव सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है जस्ट अ सेकेंड यस तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किस तरीके से डिवाइड किया तीन तरीके से एक है लिस्ट वन लिस्ट वन में यूनियन लिस्ट है जिसपे सेंटर कानून बनाएगा लिस्ट टू है जिसपे स्टेट कानून बनाएगा और लिस्ट थ्री है जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर सेंटर एंड स्टेट दोनों ही कानून बनाएंगे बट अगर सेंटर का कानून बनता है तो सेंटर का ही प्रिवेल करेगा बात समझ में आ गई और ये तीनों लिस्ट कहां दिए गए हैं सेवन्थ शेड्यूल में मैंने आपको बताया था सात शेड्यूल है टीयर्स ऑफ ओल्ड सात शेड्यूल कह रही हूं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको याद रखना है Of old PM, पूरा इसका मैं आपको बता दूंगी इस तरीके से आप शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं तो ये जो सातवां शेड्यूल है ना ये वाला ठीक है ऑफ वाला F. उसमें ये आपके तीनों लिस्ट में दिए हुए हैं जो पार्लियामेंट है उनके एक्सक्लूसिव पावर्स हैं टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट तो अगर यूनियन लिस्ट में कोई भी चीज Uh, कोई भी कानून बन रहा है वो कौन बना रहा है पार्लियामेंट पूरी पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव पावर है ठीक है और इस लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं पहले कितने थे 97 सब्जेक्ट्स हैं जैसे बड़ी बड़ी चीज है जैसे डिफेंस हो गया बैंकिंग हो गया फॉरेन अफेयर्स हो गए यू नो करेंसी एटॉमिक एनर्जी इंश्योरेंस कम्युनिकेशन इंटर स्टेट के बीच में ट्रेड कॉमर्स सेंसस ऑडिट और ये सारी बड़ी बड़ी बातें ठीक है थीके? तो नाइनटी सब्जेक्ट्स है स्टेट लेजिस्लेचर इन नॉर्मल सरकमस्टांसिस एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस ध्यान रखिएगा इन नॉर्मल सरकमस्टांसिस तो अगर किसी तरीके की कोई इमरजेंसी जैसी कंडीशंस नहीं चल रही है कंट्री में उस केस में नॉर्मल नॉर्मल सी है तो जब नॉर्मल सी है तो स्टेट अपने अपने कानून बनाने के लिए एक्सक्लूसिव पावर्स होल्ड करते हैं ठीक है तो जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको क्या करता है स्टेट उन उनपे कानून बनाता है इसमें फिफ्टी नाइन हैं। पहले कितने थे 66. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी सेंटर के पास कितने हैं, स्टेट के पास कितने हैं और पहले कितने थे अब कितने हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यह सारी चीजें बताई हैं तो स्टेट किन किन चीजों पे अपने लॉज बनाता है पब्लिक ऑर्डर पुलिस पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, एग्रीकल्चर प्रिजेंस लोकल गवर्नमेंट फिशरीज मार्केट्स थिएटर्स गैम्बलिंग एंड सो ऑन इस तरीके के लिस्ट में जो भी है कानून स्टेट बनाता है और दोनों ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून किसके रिस्पेक्ट में बनाएगा कोई भी मैटर जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं जिसमें 52 टू है ओरिजिनली कितने थे फोर्टी सब्जेक्ट्स थे अगर सेंटर कानून बना रहा है तो ऑब्वियसली उसका प्रिवेल करेगा ठीक है तो कैसे कैसे लॉज हैं क्रिमिनल लॉस से रिलेटेड चीज़ें प्रोसीजर ठीक है सिविल प्रोसीजर मैरिज और डिवोर्स जैसे ट्रिपल तलाक वाला केस याद रखिए ठीक है uh, तो मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स फैमिली प्लानिंग इलेक्ट्रिसिटी लेबर वेलफेयर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ड्रग्स के ऊपर न्यूज़पेपर्स बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड अदर्स तो ये सारी चीजें जो है इसमें कंकरेंट लिस्ट में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं आपका जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट था ना 1976 का उसने क्या किया था कि पांच सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था पहले स्टेट लिस्ट में जो कि हुआ करते थे तो स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था जैसे कि एजुकेशन फॉरेस्ट वेट एंड मेजर्स प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ठीक है ये पांचों चीज आपको याद रखनी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से पांच चीजें क्या क्या ट्रांसफर हो गई थी टू कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट वॉज एजुकेशन ई एजुकेशन एफ फॉरेस्ट ठीक है जी से आप याद रखिएगा ग्राम्स यानी वेट्स एंड मेजर्स ई एफ जी तो आपको याद रहेगा उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स तो एच से आपको हमिंग बर्ड याद रहेगा एच एच इज हमिंग बर्ड तो यानी कि बर्ड्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है और लास्ट में आपको वापस से ए से शुरू करना है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बना करके आपको याद करना है फिर से बता रही हूं ई इज एजुकेशन एफ इज फॉरेस्ट जी इज योर ग्राम्स यानी वेट्स एंड मेजर्स जी इज ग्राम्स अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वेट्स एंड मेजर्स एच ज योर हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड से क्या था वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का प्रोटेक्शन और वापस से ए शुरू करना था यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो फोर्टी सेकेंडमेंट से यह हुआ था ठीक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सारे कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो इनको छोड़ करके बाकी सारे कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए ठीक है पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट इवन दो दैट मैटर इज वन विच इज एनमरेटेड इन द स्टेटलेस्ट तो पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि जो चीजें स्टेट लिस्ट में दी गई है ठीक है या फिर इंडिया के किसी भी टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कर सकता है ठीक है तो ये प्रोविजन किसके रेफरेंस में है यूटीज के रिस्पेक्ट में और जो टेरिटरीज को अक्वायड किया जाता है ठीक है अगर कोई है तो तो अक्वायर्ड टेरिटरीज एंड यूटीज के रिस्पेक्ट में भी ये बात कही जा सकती है जो हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेन्डमेंट एक्ट था आपका 2016 का उसने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया था विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी आपको पता होगा जीएसटी के रिस्पेक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन बना था एक अमेंडमेंट एक्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा एक अमेंडमेंट एक्ट दो ने किसको इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को तो इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कानून बनाने का विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी और ये इंपोज कौन करता है सेंटर या फिर स्टेट यानी यूनियन या फिर स्टेट फर्दर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी टैक्स ठीक है पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर भी है और जीएसटी के रिस्पेक्ट में सर्विस टैक्स के रिस्पेक्ट में वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स तो अगर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है या कॉमर्स हो रहा है तो उस केस में कौन लॉज बना रहा है पार्लियामेंट ठीक है द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेसिडुअरी सब्जेक्ट मैंने बताया था इन तीन सब्जेक्ट्स के अलावा भी एक सब्जेक्ट एड हुआ है जिसको कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट जैसे कि मैटर कोई भी मैटर जो कि इस टाइप अभी रिसेंट की चीजें इंटरनेट जैसे हो गया तो ये सारी चीजें जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं मिलती है वो आपको रेसिड्यूरी लिस्ट में मिलती है ठीक है ये सब का पावर किसके पास है पार्लियामेंट के पास है तो रेसिड्यूरी पावर लेजिस्लेशन का वो सारे पावर द पावर टू लेवी पावर टू लेवी रेसिड्यूरी टैक्सेस ठीक है फ्रॉम द अब स्कीम इट इज क्लियर दैट द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द मैटर्स विच रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन नेशन वाइड इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट में वो सारी चीजें जो नेशनल इंपॉर्टेंस और जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन की जरूरत होती है ठीक है एंड द मैटर विच परमिट डायवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट आर स्पेशलाइज्ड इन द लिस्ट तो लिस्ट में वो कानून बनेंगे जिसमें डायवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट होगा बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट uh, को केटर करना होगा जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन की जरूरत है पूरे कंट्री में ज डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीजें हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस की तो जरूरत है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई नो uh, डिजायरेबल you know, तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है ऐसी चीजों को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला हुआ है ठीक है तो ये भी परमिट क्या करता है डायवर्सिटी अलॉन्ग विद यूनिफॉर्मिटी बात समझ में आ गई यूएस में ओनली द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर एनोमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो पावर्स फेडरल गवर्नमेंट के हैं अमेरिका में वही सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एनोमरेट किए गए हैं एंड द रेसिड्यूरी पावर्स आर लेफ्ट टू द स्टेट्स तो जितने भी रेसिडरी पावर्स हैं वो स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिए गए हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अमेरिकन पैटर्न को ही फॉलो किया है ऑफ सिंगल एनोमरेशन ऑफ पावर कैनेडा दूसरी तरफ देर इज अ डबल इनोमरेशन यानी फेडरल और प्रोविंशियल जो है एंड द रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंटर ठीक है फेडरल प्रोविंशियल और रेसिडोरी पार्क इसके पास है सेंटर में एक किस कंट्री में है कैनेडा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो थ्री फोल्ड एनुमरेशन प्रोवाइड करता था जैसे कि फेडरल प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट ठीक है जो आज है ना यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट वो 1935 वाले एक्ट में कैसा था फेडरल प्रोविंशियल एंड को दिया बट किसको दिया टू दिन रिस्पेक्ट में इंडिया जो है वो कैनेडियन प्रेसिडेंट uh, को फॉलो करता है मतलब कैनेडा में जिस तरीके से होता है ना उसी तरीके से इंडिया में फॉलो किया जाता है यह कह रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सिक्योर्स द प्री ऑफ द यूनियन लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड दैट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट तो वही बोल रहा है कि यूनियन लिस्ट ज्यादा सुप्रीम है एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट ठीक है और ये यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों से ज्यादा सुप्रीम है Uh, बस यही चीज है इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है थस इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट फॉर्मर शुड प्रिवेल तो अगर यूनियन कानून बना रहा है किसी पे स्टेट कानून उसी पे बना रहा है तो यूनियन वाले का प्रिवेल करेगा बस इतनी सी बात है इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इट इज अगेन फॉर्मर यानी अगर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कोई चीज ओवरलैप कर रही है तो भी यूनियन लिस्ट ही प्रिवेल करेगा सौ so, किसी भी बात है यूनियन सुप्रीम है ऐसा ध्यान रखिएगा इट इज अगेन द फॉर्मर वेर देयर इज अन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट इट इज फॉर्मर दैट शुड प्रिवेल ठीक है तो कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है कॉन्ेंट और स्टेट में तो कॉन्करेंट वाला प्रिवेल करेगा यानी जहां जहां यूनियन का डोमिन वो वाला प्रिवेल करेगा ठीक है ऐसे करके आपको एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं प्रिलिम्स में ठीक है इनकेस देयर इज अ कॉन्फ्लिक बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन अब्जेक्ट तो कोई एक सब्जेक्ट है जो कि सेंट्रल में भी है और कॉन्करेंट में भी है ठीक है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा सिंपल सी बात है ओवर द स्टेट लॉ तो अगर स्टेट इसके ऊपर कानून बना रहा है या फिर सेंटर बना रहा है तो दोनों में से सेंटर का प्रिवेल करेगा कभी भी सेंटर अगर जहां पे है वहां पे सेंटर का ही प्रिवेल करेगा ठीक है लेकिन एक एक्सेप्शन है क्या एक्सेप्शन है अगर स्टेट लॉ ने हैज बीन रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अगर कोई स्टेट का कानून है और वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया है ठीक है और उस बात के लिए उसको एसेंट भी मिल चुका है ठीक है प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया है कि हाँ ये चीज को लेके आगे जा सकते हैं आप लोग तो स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन दैट स्टेट बात र, ध्यान रखिएगा ठीक है तो अगर इस तरीके का कोई केस बनता है कि स्टेट लॉ को रिजर्व कर दिया गया है, है न उस केस में क्या होगा कि स्टेट लॉ प्रवेल करेगा उस स्टेट में ठीक है बट इट वुड स्टिल बी कॉम्पिटेंट फॉर द पार्लियामेंट टू ओवर राइड सच अ लॉ बायटली मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर तो तब भी इसके बाद भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये स्टेट के लॉ को ओवर राइड कर सकता है उसी सेम मैटर पे कानून बना करके ठीक है तो ये बात कह रही है नेक्स्ट थर्ड इज योर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दैट इज इन योर पार्ट टू आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का कोई मैसेज भेजना चाहते हैं या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पहले तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं और फिर भी वहाँ पे अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के गुरु मंत्रा टू फोर सेवन पर हमें पिंग करिए वहाँ पर हम आपको डेफिनेटली आपका जो भी रेजोल्यूशन है उसको प्रोवाइड करेंगे लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स थैंक यू सो मच का इसकी प्रिपेरिंग इन बाई नाउ